नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश इस समय कोरोना की महामारी के संकट से जूझ रहा है। इस बड़े संकट में हर कोई अपना कर्तव्य निभा रहा है, पुलिस प्रशासन भी अपना कर्तव्य निभाने में लगी हुई है। लेकिन इस बीच एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। ये वीडियो उत्तम नगर का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये वीडियो कौन से क्षेत्र की है। इस वीडियो में एक युवक को पुलिस कर्मी और अन्य लोग द्वारा बहुत बेरहमी से पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये युवक मानसिक रूप से पीड़ित है, लेकिन इस युवक पर कोरोना का आरोप लगाकर उसे पीटा जा रहा है। वो युवक दर्द से कराह रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस कर्मी उस पे लाठियां बरसा रहा है। इस तरह से उन्हें मारा है कि वो बहुत ही जख्मी हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर युवक की बहन ने क्या कहा है, सुनिए। मेरा भाई इमरान, जिनके साथ ये हादसा हुआ है, एक पुलिस वाला है जिसका नाम कमलेश है, जिसने कोरोना बताकर मेरे भाई को बहुत मारा है और 3-4 अन्य लोगों से भी पिटवाया। और वहाँ के वजूद जो मौजूद लोग थे, उन्होंने वीडियो भी बनाई है। वीडियो में काफ़ी बेरहमी से पीटा जा रहा है। इन सब के बावजूद मेरे भाई को ना कोरोना की कोई शिकायत पाई गई है। मेरे भाई को जो उनका माइंड थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है, दिमागी रूप से पिटाई की हुई 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। और हमने कई बार PVR 100 नंबर पर कॉल भी की है, ना तो उन मेडिकल करवाया जा रहा है और ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आपने सुना कि युवक की बहन का कहना है कि वो युवक मानसिक रूप से पीड़ित था, उसे कोई कोरोना का संक्रमण नहीं था, फिर भी लोगों द्वारा और पुलिस कर्मी द्वारा उसे बेरहमी से मारा गया। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर आप तक पहुँचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।